New Power 69. गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन में 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना व 3 दिनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाना है। इस मिशन के 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में पूरे होने की उम्मीद है। गगनयान मिशन का उद्देश्य स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना व सभी यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर लाना है। गगनयान मिशन के तहत मुख्य 3 लॉन्चिंग मिशन होंगे, जिसमें 2 मानव रहित ट्रायल मिशन, जिसमें एक का ट्रायल 21 अक्टूबर 2023 को सफलतापूर्वक हो चुका है, वह इसका दूसरा ट्रायल 2024 में होगा, जो मानव रहित मिशन होगा। 2025 में गगनयान मिशन का सबसे महत्वपूर्ण मानव युक्त मिशन होगा, जिसमें 2 पुरुष व 1 महिला शामिल होगी। गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को की थी। इस मिशन को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हो गई। अब गगनयान की पहली उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को दुनिया ने देखी। 2 बार लॉन्च टेस्ट में रुकावट आई, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और खामियों को दूर करते हुए टेस्ट को सफल बनाया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइंट TVD-1 भी कहा जा रहा है। इस टेस्ट की सफल लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-MK3 रॉकेट की सहायता से की गई, जिसमें 2 HS-200 बूस्टर दिए गए हैं, जो लिफ्ट ऑफ के लिए इसे थ्रस्ट प्रदान करेंगे। इसरो ने क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की। बंगाल की खाड़ी में दोनों मॉड्यूल को 3 पैरासूट की सहायता से सही और सटीक तरीके से उतारने में सफलता मिली। हम सभी इसरो का दिल से धन्यवाद करते हैं।